अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरत से होंगे। सो आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमने पहले डिस्कस कर लिया है अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें क्या कम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट इनफ आवर टू नो दैट अ सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम अ सर्टेन मॉलिक्यूल, बिकॉज मॉलिक्यूल्स में हैव आइडेंटिकल फार्मूलाज एंड येट बी क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि वो बता रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं एटम्स के, जिससे हम सर्टेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका आइडेंटिकल फार्मूलाज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और इनके सब्सटेंस बनाने का जो तरीका होता है या उनका फार्मूला होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इन इंग्लिश फॉर इंस्टेंस देयर इज़ द वर्ड रोज, जैसे कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक वर्ड होता है रोज। सिमिलरली सीइंग द वर्ड हाउएवर डज नॉट टेल अस वेदर इट इज़ अ नाउन रेफरिंग अ फ्लावर और अ वर्ब, इन एज इन शी रोज थ्रू द रैंक्स। ठीक है, मतलब वो ये बता रहा है कि इंग्लिश में जैसे एक वर्ड होता है रोज़, उसको वो सिर्फ ये नहीं बता देता कि ये फ्लावर है, इसका कलर क्या है, ये कौन सी नस्ल से है, सब कुछ नहीं बता देता। एक वर्ड से हमें नहीं पता चलता कि उस चीज़ की क्या खसूसियात है, उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, मतलब हर चीज़ का अलग अलग एक तरीक़ेकार होता है, अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, अलग अलग उनकी कम्बिनेशन होती है, अलग अलग उनके बनाने का तरीका होता है। ठीक है, Similarly, the formula of a compound does not necessarily tell what is it and it this can be crucial. ठीक है, मतलब एक फार्मूला हमें नहीं बता सकता कि उस सब्सटेंस की, उस मॉलिक्यूल की, उस एलिमेंट की क्या खसूसियात है, क्या फंक्शन है। सिर्फ एक फार्मूला नहीं बता सकता, हमें उस मॉलिक्यूल की हर चीज़ के बारे में पता होगा तो हमें पता चलेगा उसका फंक्शन क्या है, उसकी कम्बिनेशन क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है बनाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इंस्टेंस द फार्मूला C2H6O आइडेंटिफाइज टू वेरी डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। वन ऑफ दीज इज इथाइल अल्कोहल, एक इथाइल अल्कोहल है द टाइप ऑफ अल्कोहल फाउंड इन बियर एंड वाइन, जो कि ये अल्कोहल होता है, पाया जाता है बियर में और वाइन में। नो डैट ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व आर द सेम और दूज इन शुगर, इन यही सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो शुगर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑल दी प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, इनफैक्ट सम आस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडीज रिएक्शन टू इथाइल अल्कोहल आर नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्स टू शुगर। अब ये बता रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन सम आस्पेक्ट्स तक शुगर और अल्कोहल का बॉडी के साथ जो रिएक्शन हो रहा होता है वो सेम होता है। ठीक है, सिंस बोथ लीड टू अनहेल्थी वेट गेन, जैसे कि हम जान सकते हैं कि वाइन से भी वेट गेन होता है और इसके अलावा शुगर से भी होता है। इन रीजनेबल स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कोर्स इथाइल अल्कोहल इज़ नॉट टॉक्सिक। इसी तरह हमें जानते हैं कि अगर स्मॉल क्वान्टिटी हम इथाइल अल्कोहल की यूज़ करेंगे तो वो टॉक्सिक नहीं होगा, और एटलीस्ट ओनली मिडली सो। येट मिथाइल इथर विच हैज़ नॉट आइडेंटिकल फार्मूला इज़ अ टॉक्सिक। इसी तरह हमारा अगर मिथाइल इथर का हम फार्मूला डिस्कस करेंगे तो वो हमारा आइडेंटिकल फार्मूला होता है, आइडेंटिकल, ठीक है, इसी की तरह का फार्मूला होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, मतलब सम एस्पेक्ट्स तक वो हमारे सब एस्पेक्ट्स तक इनके जो फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स तक हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे को से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स के एटम्स ज्वाइन इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जो एक अरेंज स्ट्रक्चर में जिनकी अरेंजमेंट बहुत सिमेंटिक होती है उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ऑन दी अदर हैंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा एटम के मिलने से बना होता है उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलने से बनता है वो होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट बहुत ही तरतीब के साथ होती है, उनकी अरेंजमेंट सिमेंटिक होती है। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल हम ले लेते हैं, साल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर अरेंज्ड इन अ सिंपल डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं एक साल्ट की, साल्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, हालांकि ग्रेन्स की फॉर्म में होता है, लेकिन इनका हर पार्ट जो होता है वो एक सिंपल होता है, और उसकी जो ज्योमेट्रिक्स पैटर्न होता है। देर आर थ्री काइंड ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स, ओनली वन ऑफ विच आर ट्रूली मॉलिकुलर स्ट्रक्चर,
तीन टाइप के क्रिस्टलिन सॉलिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में होता है। इन एन आयनिक सॉलिड सच एज स्टेबल सॉल्ट आइंस बॉन्ड अ मेटल टू अ नॉन मेटल, इन दिस केस द मेटल सोडियम एंड द नॉन मेटल क्लोरीन। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड और एटॉमिक सॉलिड इज फॉर्म बाय द एटम ऑफ वन एटम एलिमेंट बॉन्डिंग टू वन अनदर। जैसे कि डायमंड होता है, डायमंड जो है वो कार्बन से बन के मिला होता है। ठीक है, कार्बन से बनता है डायमंड, उसकी अरेंजमेंट भी जो बिल्कुल होती है वो बिल्कुल अरेंज होता है, सिमेंटिक इसकी वो होती है कम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ इट अफेक्ट्स ऑन विद रिएक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसका क्या नेचर होती है, वो किस तरह से रहता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आज हम ये देखते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, आइदर ऑफ द सेम एलिमेंट और टू और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, या तो ये बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं या फिर डिफरेंट के मिलने से बनता है। ठीक है, जॉइंट बाय वन और मोर कवलेंट केमिकल बॉन्ड। अब हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कवलेंट केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं, इनमें कवलेंट केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होती हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन। अब आप देख सकते हैं काइनेटिक का मतलब ये होता है मोशन में रहना। मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो में जो एटम्स होते हैं वह एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, मतलब उनमें हरकत मौजूद रहती है। द स्टेट सॉलिड, जैसे हम जानते हैं स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस, इन विच मैटर अपेयर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर। अब इसी तरह जो है ये डिपेंड करता है, ये हर सब्सटेंस का मैटर का अलग अलग डिपेंड करता है कि उनकी स्पीड क्या होती है मोशन की, और एक मॉलिक्यूल का मैटर के अंदर उसके सेपरेशन की स्पीड क्या होती है, हर किसी की अलग अलग है। सब्सटेंस डिफर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंस जो है वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से और उसके कम्बिनेशन की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होता है वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला ऑफ H2O। जैसे हम देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, अगर H2O कहीं लिखा हुआ है हमें पता चल जाता है कि यह वाटर है। ठीक है, अ मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज समटाइम यूज टू शो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर डिफर इन साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज इन स्ट्रक्चर। हर स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल का साइज और जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स आर ऑफन ब्रोकन पार्ट इनटू एटम्स एंड रेडिकल्स दैट रिकंबाइन टू फॉर्म अनदर मॉलिक्यूल्स। इसको हम तोड़ भी सकते हैं और तोड़ने के बाद एक न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। इन अदर केसेस टू और मोर मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्जर मॉलिक्यूल और अ लार्जर मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हमका इनका और ज़्यादा इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ने के बाद और लार्ज मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, उस लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, मतलब इनका रीस्ट्रक्चर भी हम कर सकते हैं, रिकम्बिनेशन भी इनकी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का। ये भी एक नेचर है इसकी कि इसको रिकम्बाइन भी किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है और न्यू मॉलिक्यूल्स को भी बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट हाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।